हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो गिव अवे टाइम के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर है गिव अवे रिजल्ट मिस्टर टेक्निकल का, जो कि बहुत 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 दिनों से पेंडिंग था। और साथ ही यहाँ पर गिव अवे रिजल्ट है फ्रेस्को वैंग के आईफोन XS के 10 फ़ोन का गिव अवे। जी हाँ, उसका गिव अवे का रिजल्ट है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों के लिए 13 आईफोन XR का गिव अवे का वीडियो भी है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी जेन्युइन गिव अवेज और रिजल्ट्स के अपडेट होते हैं वो आप सभी के लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गिव अवे जिताने की पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जेन्युइन गिव अवेज आप लोगों को बताओ। तो यहाँ भैया मिस्टर टेक्निकल ने जो गिव अवे किया था रेडमी नोट 7 प्रो का, तो फाइनली उनका रिजल्ट कल उन्होंने शाम को निकाला और ये वीडियो में निकाल करके दिखाया भी था। तो उसके जो विनर हुए हैं कुमार संतोष भाई हुए, पहले विनर कोई और हुए थे, लेकिन जब उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में देखा तो भैया उन्होंने उनको सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो बाद में विनर बने वो हैं कुमार संतोष। तो भाई आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको डिस्क्रिप्शन मैंने उनके वीडियो का लिंक दे दिया, अगर जिनको जिनको प्रूफ देखना वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही जो विनर हुए हैं यानी कुमार संतोष भाई, तो आपको क्या करना है, उनके उसी वीडियो में जा करके अपनी सेम आईडी से अपनी जीमेल आईडी को लिख देना है। इस बात को याद रखिएगा कि जब आप जीमेल आईडी लिखोगे तो आपके पास बड़ी डिफरेंट आईडी से मिस्टर टेक्निकल के नाम से बना करके लोग आपको मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के बाद आपका आईडी और पासवर्ड मांगेंगे। अगर जो पासवर्ड मांगने लगे तो आप समझ लेना वो बिल्कुल फेक है, मतलब वो मिस्टर टेक्निकल नहीं है। अगर आपसे केवल एड्रेस डिटेल या जो कुछ भी मांगते हैं वो आपसे मांगते हैं तब तो समझ लीजिए वही है। अदरवाइज आप समझ लीजिएगा अगर कोई आईडी मांग रहा है तो फिर वो हैक करके वो खुद क्लेम करना चाहता है, इसलिए बी अवेयर। बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी पिछली बार किसी के साथ ऐसा हुआ था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ और सबको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो विनर हो जाएगा वो सिर्फ अपनी जीमेल आईडी वहाँ पे कमेंट कर देगा। जब मेल आएगा तो सिर्फ वहाँ पे केवल एड्रेस डिटेल मांगेंगे या एक आपके आधार कार्ड की स्कैन कॉपी मांगेंगे, बस इतना मांगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं मांगने वाले हैं। तो बस, और जो विनर नहीं हो यार बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहो, अपना नंबर आएगा, बहुत जल्द आएगा, सबका आएगा, धीरे धीरे आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब उसके बाद बात कर ले तो भैया फ्रेस्को वैंग के गिव अवे के बारे में, आईफोन XS के बारे में। भैया जो आईफोन XS का गिव अवे किया था मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ था, और इसका रिजल्ट उन्होंने 19 मार्च को ही निकाला था, लेकिन आज 1 अप्रैल, आप सोचेंगे इतना लेट क्यों निकाल रहा हूँ। तो भैया मैंने उनको कॉमेंट करके भी बोला था, ट्विटर पर टैग भी करा था कि फ्रेस्को वैंग ने जो रिजल्ट निकाला था उसमें सारे जो विनर्स थे वो सारे विनर इंडिया में से कोई एक भी विनर नहीं था, सबसे बड़ी बात तो ये। और जबकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो थे, क्योंकि हमने वीडियो को वहाँ रेफर किया था भाई, तो इंडिया के बहुत ही एक भी विनर नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा। और रिजल्ट भी उन्होंने कुछ अलग तरीके से निकाल करके एक क्या कहते हैं कि लिस्ट वहाँ पर लगा दी थी, ना तो रैंडम कमेंट पिकर से, मतलब कोई भी प्रूफ नहीं दिया था। तो मैंने उनसे वही बोला कि आप मुझको बताइए, तो फिलहाल उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन फाइनली अभी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई वीडियो बना दो, तो वीडियो मैं बना देता हूँ, मुझे बनाने में कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उन्होंने रिजल्ट लाइव निकाल करके नहीं दिखाया, और मैं चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ जेन्युइनली मिले, क्योंकि अभी ग्रोइंग स्टेज में मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दिखाना चाहिए था। तो वहाँ पर जितने भी विनर के लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, कोई भी इंडिया का नहीं है, सारे विनर्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उन्होंने ट्विटर पर अनाउंस किया था, तो सारे ही इंडिया के बाहर के हैं। तो यही मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा कि मतलब हमारे इंडिया वाले तो भाई मेहनत कर रहे हैं यार, बढ़िया जी जो तौर से। एनीवे बात कर लेते हैं उनके नेक्स्ट गिव अवे की। भैया उसकी भी डिमांड थी कि भाई उनका वीडियो बनाओ। अब भैया हमारी फैमिली अगर कह दे तो मैं कैसे रुक सकता हूँ भाई, इतने सारे कमेंट थे, इतनी जगह से मैसेज थे, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, और चाहे यूट्यूब के मैसेज, बहुत सारे कमेंट थे कि भैया इनके आईफोन XR का गिव अवे का वीडियो आप बनाइए। तो भैया डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका वीडियो का लिंक दे दिया है, पार्टिसिपेट कर लो, शायद इस बार जीत जाओ। मैंने कमेंट खुद किया है, लेकिन कमेंट में आप जाकर के अगर आप मेरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर मैंने कमेंट क्या किया है, कि गिव अवे को लेकर के ही कमेंट किया है। मतलब फ़ोन के बारे में तो किया है, लेकिन अपनी वो जो मुझे कहना था ना गिव अवे के बारे में, वो मैंने कह दिया, आप जाकर के वहाँ पर देखोगे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जाइए उनके उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको एक कमेंट करना है आईफोन XR के बारे में।
तो भैया कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, मैं बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रहा हूँ जो कमेंट को लेकर के आता है ना कि भैया क्या कमेंट करें, तो कुछ परेशान मत हो, कुछ ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ें मिलेंगी तो कर लेना। और बस ये है पूरा अपडेट, आपको यही सारी स्टेप फॉलो करनी है और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 25 अप्रैल को। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं उसका अपडेट दूंगा। आई होप सो इस बार इंडिया से काफ़ी सारे विनर्स हों, 13 में से कम नहीं तो 5 विनर तो हो ही हों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।